I am Vijay Kumar Singh, again in front of you. In the previous video, we have learnt heating effect of electric current. And in this video, today, we are going to study about electric power. Now, the word electric power is familiar to you. All of you familiar to the word electric power from class 9. Power, term power, you are familiar with from class 9. In previous class, you have already read about the power. We have read that work done in per unit time is called power. हम लोग वहां पे पढ़े थे कि कार्य करने की क्षमता को, कैपेसिटी को एनर्जी कहते हैं, तो कार्य करने की वर्क डन के रेट को हम लोग पावर कहते थे वहां पर. सेम वही से हम लोग यहां पर शुरू करेंगे. सबसे पहले अब न्यू टॉपिक इलेक्ट्रिक पावर. जैसा कि हम लोग पहले से जानते हैं, पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क और द रेट एट व्हिच एनर्जी इज कंज्यूम्ड. कंज्यूम्ड और प्रोड्यूस्ड. इसे हम लोग ये, दिस इज आल्सो कॉल्ड द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी. रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी भी इसको हम कह सकते हैं. रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी ये भी कह सकते हैं. चलिए हम रिकॉल करते हैं हीटिंग इफेक्ट में. हीटिंग इफेक्ट में हमने इक्वेशन पढ़ा था, हीट कंज्यूम्ड और प्रोड्यूस्ड इक्वल टू आई आर स्क्वायर आर टी, जहां पर सबका मीनिंग एज यूजुअल आप लोग जानते हैं, आई करंट है, आर रेसिस्टेंस है, और टी आपका टाइम ड्यूरेशन है, और हीट जो एनर्जी कंज्यूम्ड या प्रोड्यूस्ड होती है. ये जो है हमें ये इक्वेशन जो है, अर्थात ये जो इक्वेशन है ये हमें देता है, गिव्स द रेट एट व्हिच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट. दिस इज आल्सो कॉल्ड, या इसको हम कह सकते हैं, दिस इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रिक पावर. इलेक्ट्रिक पावर यहां पर, जैसा कि हमने यहां पर भी लिखा है ऊपर में, इनर्जी कंज्यूम्ड और वर्क डन ये दोनों इक्वल चीज है. तो यह हम लोग यहां पर ये एनर्जी जो कंज्यूम्ड हुआ है, एच इक्वल टू, तो हम लोग पावर को अब हम लोग लिख सकते हैं कि यदि ये पावर इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, जैसा कि हम लोग 9 क्लास में जानते हैं, अर्थात डब्ल्यू इक्वल टू पी इंटू टी हो गया वर्क डन. यही आपका हीट एनर्जी का है, इसी को हम लोग ये कंज्यूम्ड एनर्जी वर्क डन को ही कहते हैं, इक्वल टू पी इंटू टी हुआ, या पी इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, या इसको हम लोग ऐसे भी टर्म कर सकते हैं, पी इक्वल टू यो कंज्यूम्ड हीट के बदले में एच बाई टी, पी इक्वल टू एच बाई टी. अब चूंकि आप यहां इक्वेशन, इस इक्वेशन से हम जानते हैं एक्स का जो ये
प्रोड्यूस्ड हीट जो है या कंज्यूम्ड हीट आई स्क्वायर आर टी, यहां पर पी स्क्वायर आपको यहां से आ गया आई स्क्वायर आर टी बाय टी, ये हीट के ये एनर्जी के बदले में हुआ, ये टी टी कैंसिल हो गया, अर्थात पावर इक्वल टू आई स्क्वायर आर। अब इसको देखिए कि इसको हम जो टर्न करते हैं यहां पे, इसको चूंकि आप जान रहे हैं कि आई इक्वल टू वी बाय आर होता है, सिंस आई इक्वल टू वी बाय आर, तो यहां पर पी इक्वल टू हमें आई की जगह पर अगर इस वैल्यू को हम पुट करते हैं तो वी बाय आर का ये स्क्वायर हो जाएगा इंटू आर हो जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा आपको वी स्क्वायर बाय आर पी इक्वल टू, या इसको हम लोग फिर से अगर हम करेंगे तो वी बाय आर इक्वल टू, चूंकि वी बाय आर इक्वल टू आई होता है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वी इक्वल टू, इसको हम ऐसे भी टर्म कर सकते हैं वी वी बाय आर इक्वल टू आई, और एक वी बन जाएगा यहाँ पे, तो वी इक्वल टू वी इंटू आई ये भी, और इसी को हम लोग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी जैसे कि यहां पर आया है आपको एच इक्वल टू पी इंटू टी, ये क्या हो गया द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन इलेक्ट्रिकल एप्लायंस इज द प्रोडक्ट ऑफ पावर रेटिंग एंड द टाइम फॉर व्हिच इट इज यूज्ड, जितना टाइम पर कि ये यूज्ड होता है। अब इसमें अब हम इसको देखते हैं ऐसा यूनिट हम इसका अगर फाइंड करते हैं तो पावर इक्वल टू जैसे हम लोग लाए हैं यहाँ पर हीट बाय टाइम, ये एनर्जी बाय टाइम, तो एनर्जी को चूंकि हम लोग जूल में मेजर करते हैं और टाइम को सेकंड में, अर्थात पावर हो गया जूल पर सेकंड, इसी जूल पर सेकंड को हम वाट के रूप में टर्न करते हैं, अर्थात एक वाट वही एनर्जी हुआ कि जो कि अगर एक सेकंड में एक जूल एनर्जी कंज्यूम होता है या प्रोड्यूस होता है तो वह प्रोड्यूस और कंज्यूम एनर्जी को हम एक वाट कहते हैं, अर्थात द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वाट, इट इज द पावर कंज्यूम्ड बाय अ डिवाइस दैट कैरीज वन एम्पियर करेंट व्हेन ऑपरेटेड बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस, किसी भी पोटेंशियल डिफरेंस भी के द्वारा अगर ये ऑपरेट होता है तो वह यहाँ पर हम यहाँ से देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर एक एम्पियर करंट हो रहा है ऑपरेट हो रहा है गिवन सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस में, तो वहां पर ये आपको जो कैरी किया जाता है एक एम्पियर करंट को प्रोवाइडेड पोटेंशियल डिफरेंस में जो एनर्जी चाहिए उसे कैरी करने के लिए उस एनर्जी को हम लोग एक वाट कहते हैं, अर्थात जूल पर सेकेंड इज टर्म्ड एज वाट, इट इज नेम्ड इन द ऑनर ऑफ द ब्रिटिश इन्वेंटर जेम्स वाट फेमस फॉर हिज स्टीम इंजन। अब देखिए किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में एक जूल पर सेकेंड की दर से वर्क डन हो रहा हो वर्क हो रहा हो तो उस इलेक्ट्रिक सर्किट का पावर एक वाट होता है, जैसा कि अभी हमने अंडरस्टैंड किया, अर्थात लेकिन हम लोग क्या देखते हैं कि P इक्वल टू वी बाय आर, यहाँ पर ये इक्वेशन जो हमने फाइंड किया है यहाँ पर इस इक्वेशन से हमें ये आता है, इसका मतलब हो गया कि जो ये वी का हो गया वोल्ट और आई का हो गया एम्पियर, वोल्ट एम्पियर, अर्थात ये वोल्ट एम्पियर इसको भी हम पावर के रूप में टर्म कर सकते हैं, और इसको यहां पर भी का मान लेंगे फिर आएगा तो फिर ये जूल पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि किसी इलेक्ट्रिक बल्ब पर 220 वोल्ट 60 वाट लिखा हो तो उसे हम रेटिंग कहते हैं, अर्थात रेटिंग रेटिंग जो टर्म है रेटिंग जो किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का किया जाता है वह एवरी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैज लेवल, वो लेवल क्या हुआ रहता है ऑन इट दैट टेल्स द इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम्ड बाय इट एंड द वोल्टेज टू बी अप्लाइड, कितना वोल्ट के वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई करेगा और ये लेवल रहता है उस पर,
दिस इज कॉल्ड द पावर रेटिंग, इसको हम पावर रेटिंग कहते हैं, ऑफ द पावर रेटिंग ऑफ एप्लायंस। मान लीजिए कि किसी इलेक्ट्रिक किसी बल्ब पे आपको 220 वोल्ट और 60 वाट लिखा हुआ है, तो इसका अर्थ हो गया कि यह किसी बिल्डिंग में अगर इस सर्किट में इसे लगा दिया जाए उस बल्ब को, तो उसमें क्या होता है कि 220 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पर वह 60 वाट पावर का वर्क डन करेगा, अर्थात यूज करेगा, अर्थात प्रति सेकंड इस बल्ब के कारण 60 जूल इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम होगा, अर्थात लाइट एनर्जी में बदलेगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के डोमेस्टिक एंड कमर्शियल यूज के रीडिंग में वाट एक छोटा यूनिट हो जाता है, इसके लिए दूसरा यूनिट लार्जर यूनिट का उपयोग किया जाता है। यदि सर्किट में 1 किलोवाट का अर्थात 1000 वाट का एप्लायंस लगाया जाए, जैसे मान लीजिए ये आयरन या रेफ्रिजरेटर या कुछ भी या हीटर, तो इसे और इसे 1 घंटे तक फंक्शन में लाया जाए, 1 आवर तक इसे फंक्शन में लाया जाए, तो हम 1 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज हो रहा है ऐसा कहते हैं। तो हम कहते हैं कि अर्थात 1 किलोवाट वाले किसी इलेक्ट्रिकल की अप्लायंस का 1 घंटे तक अर्थात 1 आवर तक इसे फंक्शन में लाया जाए, तो हम कहते हैं कि 1 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज हो रहा है, अर्थात 1 किलोवाट आवर बराबर 1000 वाट। 1 किलो बराबर 1000 होता है, वाट जो है ये 1000 वाट हो गया इंटू 60 हो गया, अर्थात इसको हम करेंगे तो 3.6 × 10⁶ जूल, जो कि आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था ये। और इसी को 1 किलो पर आर्ट को BOT भी कहते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, अर्थात बोर्ड ऑफ 1 BOT इक्वल टू हो गया हमारा 1 किलोवाट आवर इक्वल टू थ्री इंटू सिक्स इंटू टेन टू द पावर सिक्स जूल एनर्जी ये कंज्यूम होगा। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक पावर का, जो कि आपका 9th क्लास से भी रिलेटेड था, इसको हमने यहाँ पर डिस्क्राइब किया। इस तरह से इलेक्ट्रिक पावर हम फाइंड कर सकते हैं। और बचा आपका हीटिंग इफेक्ट का, जो हमारे में हीटिंग इफेक्ट का जो हमारा अब प्रैक्टिकल अप्लायंसेज है, यो एवरीडे लाइफ में जो उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम करते हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में फिर चर्चा करेंगे। अब ये आज का वीडियो हमारा इलेक्ट्रिक पावर को शो कर रहा है, नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा उस वीडियो में आपको हीटिंग इफेक्ट का ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बारे में हम उसमें चर्चा करेंगे। थैंक यू।